हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसिफ सर। मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर सीरीज का ये फोर्थ लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखी और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आई बटन में भी देता हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। इसमें थोड़ा एक नया फॉर्मूला है और नई नई चीजें बताऊंगा मैं, जो आप अगर ध्यान रखोगे तो किसी तरह का भी ऐसा क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। शर्त यह है कि वीडियो एंड तक देखिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में आपसे जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस बनाते रहूंगा, कॉस्टिंग से जुड़े हुए और TYBCOM से जुड़े हुए। या जरूरी नहीं कि ये टॉपिक TYBCOM को हो, आप अलग यूनिवर्सिटी के हैं, अलग टॉपिक मतलब अलग क्या बोलते हैं बोर्ड के हैं, अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको सेम टॉपिक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ABC लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ABC लिमिटेड ने आपको नीचे दी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, ईयर दिया 18 और 19, सेल्स का अमाउंट दिया और प्रॉफिट का अमाउंट दिया है। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और फिर हम लोग ऐसे चीजें दी देती है, लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जरा भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। आगे लिखा है कैलकुलेट PV रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स टू ओनर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख और प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 5 लाख। तो यहां पे कहीं पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया तो हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे तो हम लोग PV रेशियो सब कैसे निकालेंगे, तो ये सवाल आता है। तो जब भी 2 ईयर का कंपैरिजन देगा या 2 पीरियड्स का डेटा देगा, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब क्या रहेगा, हम लोग को सेल्स और प्रॉफिट, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया तो टेंशन नहीं, फॉर्मूला हम लोग बन जाता है हम लोग का। लेकिन अभी हमारे पास वो फॉर्मूला बनाने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मेट देखो यहां पे मैं लिख लेता हूं साइड में आपके लिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब हमारे पास फिर लेस होता है फिक्स कॉस्ट और फिर लास्ट में आता है प्रॉफिट। अब हम लोग को सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 लाख, कोई भी एक का ले लो, कोई भी एक मिनट का ले लो, जरूरी नहीं है इसका। हाँ, याद रखना कि अगर मैं 2018 का ले रहा हूं तो प्रॉफिट भी कुछ कर लूं 2018 का ही लूं। तो यहां पे देखिए कितना है, यहां पे प्रॉफिट 15,000। अब प्रॉब्लम ये है कि बीच में हम लोग को या तो फिक्स कॉस्ट होता था, हम लोग ये पता करके पता कर लेते थे, या तो वेरिएबल कॉस्ट होता था, ये पता करके पता कर लेते थे, लेकिन दोनों भी नहीं दिया हुआ है, बराबर है ना। तो इसका मतलब हम लोग को सोल्यूशन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है हम लोग का, याद रखना पीवी रेशियो का एक नया फॉर्मूला है, पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का एक नया फॉर्मूला बता रहा हूं आप लोग को, दिमाग में रख लो। क्या है वो, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट में क्या बदलाव आया, क्या चेंज आया, सेल्स में क्या बदलाव आया, चेंज आया, उसको हम लोग को माइनस करना मतलब लिखना है। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना होना, 25,000 से मतलब 15,000 से कितना हो गया 25,000। तो याद रखना है कि पहले बड़े अमाउंट को फिर छोटे अमाउंट को, मतलब ये ईयर से ईयर को माइनस करने का, क्लियर है। तो प्रॉफिट का चेंज क्लियर है। चलिए आगे सेल्स का चेंज, तो इसको माइनस करेंगे, 2,50,000 माइनस 2 लाख, क्लियर है। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को माइनस कर लेने का, सेल्स मतलब सेल्स को माइनस कर लेने का, फिनिश। ये होता है आप लोग का 10,000, ये होता है आप लोग का 50,000, बराबर है। ये यहां पे 100, 5,0,4,0,4,0 कट, 5,2,10, कितना आ गया आप लोग का 20% पीवी रेशो आ गया 20%, सिंपल। अब क्या करना है हम लोग को, फिक्स कॉस्ट निकालना है, लेकिन हम लोग को पीवी रेशो मिला है ना, कंट्रीब्यूशन ना तो फिक्स कॉस्ट कुछ मिला होता, या वेरिएबल कॉस्ट कुछ मिला तो हम करते थे। तो अगर याद रखने का कि जब भी आप लोग ऐसा क्वेश्चन करोगे तो पीवी रेशो का एक बार फॉर्मूला लगाएं, वापस से पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाने का, क्या बोल रहा हूं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पीवी रेशो का फॉर्मूला एक बार लगाएं ना, फिर वापस से पीवी रेशो का फॉर्मूला लगाएं, क्यों लगाने का वो भी आप लोग को समझ जाएगा। हमेशा याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पीवी रेशो का फॉर्मूला 2 बार यूज करेगा, एक बार ये वाला, दूसरी बार जो यूज करेंगे वो पुराना वाला। तो क्या फॉर्मूला था हम लोग का, देखिए पीवी रेशो, रीजन क्या है अभी समझ जाएगा आप लोग को, पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, क्लियर है। पीवी रेशो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब याद रखने का कि हम लोग को पीवी रेशो पता है, कितना पता है 20, बराबर ना। परसेंटेज मत लिखना, अगर परसेंटेज लिखोगे तो यहां का आपको 100 हटाना पड़ेगा,
ये ध्यान में रखना। अगर आपने यहां पे परसेंटेज लिखे तो एग्जांपल यहां पे आपने परसेंटेज यूज करे तो यहां का 100 हटा देने का आप लोग, क्लियर है? क्यों? क्योंकि नीचे 100 होता है इसमें पहले से, याद रखना। हाँ, तो यहां पे मैंने 20 लिखा। कंट्रीब्यूशन हम लोग को नहीं पता है, हम लोग को सेल्स पता है। सेल्स कितना है हम लोग का, देखो 2 लाख। कोई भी ले सकते हो, कोई भी ईयर का ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 2 लाख लोगों तो वो ईयर का मालूम पड़ेगा। तो अगर दूसरे का बाजू में बनाओगे तो ये 18 का है ना, ये 18 का है। 19 का बनाओ तो 19 का भी बना लो, आप लोग आ जाएगा 19 का बना देते। चलो आप लोग के लिए यहाँ पे 2,50,000 और यहाँ पे कितना है 25,000, बराबर है। चलिए अब ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड, बराबर ना। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। वहां जाके यहाँ पे क्या है, 100 है, बराबर ना, क्लियर है। अब ये जाके वहां पे, यहाँ पे 2,020 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये यहाँ पे डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 20 बाय ये कितना है 2,000 यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन, बराबर ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो देखिए कितना आता है, 20 × 2 = 40, बराबर है। और आपके ये 20 × 2 = 40 और यहाँ पे 3 0 1 2 3 कितना आ गया, 40,000। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 40,000। मतलब ये कितना आ गया आप लोग का, 40,000, बराबर है। कंट्रीब्यूशन आ गया आप लोग को, क्या करने का, जब भी टू ईयर का कंपैरिजन देगा, दो पेड़ का कंपैरिजन देगा, तो पहले पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्यों नहीं लगाते हम लोग ये फॉर्मूला, क्यों लगाते कंट्रीब्यूशन सेल्स वाला, क्योंकि हम लोग को कंट्रीब्यूशन नहीं पता है क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। फिर वापस से पीवी रेशियो का फॉर्मूला पुराना वाला यूज करने का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ये कट कर लिए, याद रखना कि पीवी रेशियो अगर परसेंटेज में लिख रहे हो तो 100 हटा देने का है, कट कर लिए, ये माने कि मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया 40,000 कंट्रीब्यूशन आ गया आप लोग का, बराबर ना। तो कंट्रीब्यूशन मिल गया, कंट्रीब्यूशन मिल गया। तो आप लोग देखो, आप लोग को पता है कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते तो क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है ना, तो वही चीज। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40,000। आपका सेल्स कितना है, 2 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितना है आप लोग को नहीं पता है, वो पता करना है। ये वेरिएबल कॉस्ट वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर है ना, ये वहां चलेगा, और ये आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये 2 लाख माइनस 40,000, ये वेरिएबल कॉस्ट वहां माइनस है, वहां जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 40 यहां पे प्लस है, वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया 1,60,000, बराबर है। तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे 1,60,000, उतना दिमाग लेने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा खाली ओरली सोचो तो भी आ जाएगा, मतलब इतना करने की जरूरत भी, डायरेक्टली भी कर सकते हो। 20 लाख में से कितना माइनस करेंगे तो 40 आएगा, सिंपल सी बात है, 1,60,000 माइनस करेंगे तो 40 आएगा। थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो, ये लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए, क्लियर है। ये हो गया आप लोग का, कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, सेल्स भी आ गया, बराबर है, टेंशन खत्म। अब क्या करना है आप लोग को, फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो फिक्स कॉस्ट अगर आप लोग सोचोगे, बराबर ना, देखो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बारे में सोचने के लिए आप लोग को सोचना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, कंट्रीब्यूशन में से हम लोग को माइनस करना पड़ता है फिक्स कॉस्ट को। देखो क्यों, ये जो प्रॉफिट है वो कैसे आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो क्या मिलता है हम लोग को, प्रॉफिट मिलता है ना, तो वही मैंने लिख दिया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलता है, प्रॉफिट। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को फिक्स कॉस्ट चाहिए ना, इसलिए। इसमें हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट चाहिए था, इसलिए वाला फॉर्मूला यूज करता था कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट, प्रॉफिट हम लोग को पता है कितना, पता है 15,000, ये ले लिया मैंने 15,000। कंट्रीब्यूशन कितना है हम लोग का, 40,000, तो 40,000। फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता नहीं है, बराबर ना। फिक्स कॉस्ट यहां पे माइनस समझा क्या हो जाएगा, प्लस, ये यहां पे प्लस समझा क्या हो जाएगा, माइनस। तो 40,000 माइनस 15,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना आ गया आपका, 25,000, यहां पे लिख देंगे 25,000। ये हो गया आप लोग का फिक्स कॉस्ट। तो ये आ गया हम लोग का सेकेंड पार्ट, फिक्स कॉस्ट सॉल्व, बराबर है। अब सिंपल सी बात है, यहां फिक्स कॉस्ट अगर यहां पे 25 है तो अगले साल भी कितना रहेगा, 25 सेम रहेगा फिक्स कॉस्ट, क्योंकि क्या रहता है, सेम रहता है। ये 25 25, मतलब कितने में से 25 माइनस 25 आया, 50 में से, थोड़ा दिमाग लगाने का, 50 में से 25 जाएगा तभी तो 25 आएगा ना, तो दिमाग लगा। अभी 250 में से कितना गया, तो 250 आया, तो कितना गया, 2 लाख, ये फिल कर लेने का।
ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन किया, देखो यहां पे मैंने चेंज प्रॉफिट चेंज लिखा, फिर यहां से वापस से पीवी रेशियो का फॉर्मूला लगाया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, बराबर ना। तो याद रखना कि यहां पे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जिस ईयर का, कौन से ईयर का लिया मैंने, 18 का, तो 200,000 लिया वहां के मल्टीप्लाई हुआ, इसको सॉल्व किया। अब याद रखने का कि अगर मैंने 18 का इन्फॉर्मेशन लिया तो अब 19 के कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करूंगा, सबके सब इन्फॉर्मेशन का यूज करूंगा, 18 की ही यूज करूंगा यहां तक, और फिर पता चल जाएगा कि फिक्स कॉस्ट दोनों सेम होते हैं, तो उठा के लिखूंगा, फिर इसका फिलअप करूंगा, ठीक है ना। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहां से शुरुआत से क्या ले लिया, किसका ले लिया, 19 का ले लिया, मतलब यहां पे 19 का लिया आपने, 250,000 लिया, तो यहां पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन लोगे आगे चल के आप लोग किसके लोगे, 19 के लोगे, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना खाली इंपॉर्टेंट चीज, तो आप लोग को रॉन्ग नहीं होगा। अगर सॉल्व कर रहे हो 18 से तो पूरा 18 से सॉल्व करो, सारी इन्फॉर्मेशन 18 की यूज करो, अगर 19 से सॉल्व करो तो पूरी इन्फॉर्मेशन 19 की यूज करो, ये ध्यान में रखना, मिक्स मत कर देना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज आगे, थर्ड क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला है, बराबर ना। ब्रेक इवन पॉइंट किस में बोला है, रुपीज में बोला है कि यूनिट्स में बोला, नहीं बोला है। तो अभी ये क्वेश्चन में आप लोग सोचिए कि हम लोग को ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में चलता है तो क्या चलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। लेकिन हम लोग को कॉन्ट्रीब्यूशन तो पता है लेकिन वो ईयरली पता है, पर यूनिट पता नहीं है, तो मतलब यूनिट्स वाला हम लोग निकाल ही नहीं सकते। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, ब्रेक इवन पॉइंट खाली बोल दिया, तो आप लोग को रुपीस में भी निकालना है, यूनिट्स में भी निकालना है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन में हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं है, इसलिए हम लोग निकाल ही नहीं सकते ना। सो ब्रेक इवन पॉइंट की डायरेक्टली किसमें निकालेंगे, रुपीस में, क्लियर है। फॉर्मूला था उसका फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, बराबर है आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है क्वेश्चन में वो है 25,000, अभी आपने निकाले, बराबर ना। पीवी रेशियो कितना है आप लोग का, 20%। अगर 25,000 को आप कैलसी यूज कर लीजिए, डिवाइड बाय 20%, 2,25,000 डिवाइड बाय 20% तो होता है आप लोग का 1,25,000, ये आ गया आप लोग का 1,25,000, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। यूनिट्स में क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चलेगा, हम लोग को क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट को कुछ नहीं बोला है, कि इसमें निकालने बोला कि रुपीस में निकालो कि यूनिट्स में निकालो, नहीं बोला है, तो आप लोग क्या करो, दोनों में निकालोगे, इसमें भी दोनों में निकालते थे हम लोग, लेकिन हम लोग को यूनिट्स पता ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसलिए छोड़ देंगे। फोर्थ क्या बोले हम लोग को, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीस 1,00,000, तो यहां पे हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, बराबर ना। कौन सा प्रॉफिट दिया हम लोग को, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,00,000। तो इसके लिए हम लोग कौन सा उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, याद है ना सबको, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला था, मैंने बताया था सेल्स का जो फॉर्मूला है, और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स का फॉर्मूला क्या है, सेम है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यूनिट्स में पता नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग को, लेकिन खाली याद रखने का कि ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल पॉइंट होता है जहां पे ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होता है, मतलब इसलिए प्रॉफिट आया ही नहीं। अब ये यहां पे क्या है, प्रॉफिट है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे ऐड क्या कर लेंगे हम लोग, प्रॉफिट। देखो यही फॉर्मूला उठा के लिखा मैंने, खाली ऐड क्या हो गया, डिजायर्ड प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते ना, क्योंकि इसके अंदर इसमें नहीं कमाना चाहते थे, निल था ये, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस था, बराबर है, तो डिजायर्ड प्रॉफिट, हाँ लॉस होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस डिजायर्ड लॉस, डिजायर्ड नहीं होता है लॉस होता है, क्योंकि कोई चाहता नहीं कि लॉस होए, ठीक है ना, तो डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जरा देखिए क्वेश्चन में, 25,000, बराबर है। पीवी रेशियो आपका कितना परसेंट है, 20% है, बराबर है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है आप लोग का, 1,00,000, यहाँ पे ना 1,00,000, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,25,000, तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 20% तो होता है 6,25,000। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप लोग 6,25,000 रुपए का सेल करोगे तो आप लोग 1,00,000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो, बराबर है। चलिए अगले पाते हैं, चलिए ये हो गया आप लोग का, अब नेक्स्ट पाते हैं, नेक्स्ट कौन सा हम लोग का, फिफ्थ नंबर। मैं फिफ्थ नंबर यहां सॉल्व करता हूं क्योंकि वहां पे जगह नहीं पड़ेगी, शायद वहां पे स्क्रीन फिनिश हो जाएगी, तो यहां पे करता हूं मैं, आप लोग लाइन से ही करना, आगे पीछे नहीं करना। व्हेन अ प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज 5,00,000, उसने उल्टा बोला है कि अगर हम लोग 5,00,000 का सेल करते तो प्रॉफिट कितना होगा, तो मैंने इसलिए आपको नया फॉर्मूला यूज नहीं करने बोला था, मैं बोलता वही फॉर्मूला यूज करो, कौन सा फॉर्मूला यूज करो, रिक्वायर्ड सेल वाला ही फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड सेल नहीं लिखने का, यहां पे क्या लिखने का, सेल्स इज इक्वल टू वही फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट प्लस सॉरी डिवाइड बाय पीवी रेशियो प्लस प्रॉफिट, यहां पे डिजायर्ड नहीं लिखने का, यहां पे क्या लिखने का, प्रॉफिट लिखने का, ठीक है ना। चलिए यही फॉर्मूला है उठा के, सेम
बहुत लोग क्या करेंगे, आप लोग को फॉर्मूला चेंज करेंगे, याद करने लगेंगे, मतलब क्या करेंगे, प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे, ये वहाँ जाएगा, माइनस होएगा और डिवाइड हो जाएगा, ये सब चीज़ें वहाँ जाएगी, बहुत सारे खिचड़ी पक जाएगी, कंफ्यूज जाएगा आप लोग। डायरेक्टली याद कर लो, यही फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज कर रखने का, चाहे प्रॉफिट निकालने बोले चाहे सेल्स निकालने बोले, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो लिख दिया मैंने फॉर्मूला, सेल्स आप लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 लाख, तो मैंने 5 लाख लिख दिया, बराबर है। फिक्स कॉस्ट आप लोग का कितना है 25,000, प्रॉफिट आप लोग को निकालना है तो वैसे का वैसे ही, पीवी रेशियो आप लोग को दिया हुआ है 20%, बराबर है। ये यहाँ पे डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 20%, यहाँ पे क्या बचता है 25,000 प्लस प्रॉफिट, बराबर है। अगर आप लोग 5 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 20% से तो होता है 1 लाख, बराबर है। यहां पे है 25,000 प्लस प्रॉफिट, ये 25,000 वहां पे प्लस है, वहां देखिए क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 लाख माइनस 25,000, यहां पे क्या बचता है प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 75,000। मतलब अगर आप लोग 5 लाख रुपए का सेल करोगे तो प्रॉफिट कितना कमा सकते हो 75,000 रुपीज का। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व, एकदम सिंपल सा है, खाली जो मैंने बेसिक चीजें बताया वो ध्यान में रखना क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स दिया हुआ है और ना तो वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, ना तो फिक्स कॉस्ट दिया, डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है। तो बीच की चीजों में से कुछ एक चीज होती तो हम लोग बाकी चीजें निकाल सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन में जब दो ईयर का कंपैरिजन देगा, दो पीरियड्स का, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करने का पीवी रेशियो के लिए, ये फॉर्मूला यूज करने के बाद हम लोग को मिल जाएगा पीवी रेशियो। लेकिन वापस से पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज करने का क्यों, क्योंकि हम लोग उससे क्या निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, बराबर है। इस टाइम पे क्या ध्यान देने का, खाली याद रखने का कि अगर 18 की इन्फॉर्मेशन यूज करो तो यहां से पूरी 18 की इन्फॉर्मेशन करो, और अगर 19 की इन्फॉर्मेशन करो तो पूरी किसकी यूज करो, 19 की इन्फॉर्मेशन यूज करो, ये ध्यान में रखने का, ठीक है ना। अभी मैंने 18 की इन्फॉर्मेशन लिखा है, यूज किया, आप लोग को अगर करना है तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप लोग 19 की इन्फॉर्मेशन यूज करके कर सकते हो। तो प्रॉफिट वापस पीवी रेशियो लिखा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स कितना लिया मैंने 2 लाख, आप लोग चाहिए तो 2,50,000 से करके देखो, और इधर भी उससे सॉल्व करो 19 की इन्फॉर्मेशन से, और देखो आता है कि ना आता है आप लोग का। बाकी चीजें तो आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया कि चाहे प्रॉफिट निकालने बोले चाहे सेल्स निकालने बोले, यही फॉर्मूला यूज करना, रिक्वायर्ड सेल्स का ही यूज करने का। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन, स्नैपशॉट लेना तो ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों से वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। थैंक यू वेरी मच वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक नया क्वेश्चन नया टाइप लेके।